हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो नंबर वन यानी गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा ने एक साथ 70 फिल्में साइन कर दी। एक्टर एक दिन में 2-3 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे, जिनके लिए अलग अलग शिफ्ट रखी जाती थी। मगर फिर एक वक्त ऐसा आया जब सलमान खान के कहने पर वो फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद फिल्म से बाहर हो गए। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं, एक्टर ने खुद बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में किया था, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे गोविंदा के इस शॉकिंग खुलासे के बारे में। नमस्कार, मैं हूं लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म जुड़वा ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म के लिए फिल्म के हीरो सलमान खान ने खूब तारीफें बटोरी, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल में जुड़वा सलमान खान की नहीं बल्कि गोविंदा की फिल्म थी, मगर सलमान की वजह से उन्हें इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा। जैसा कि आपको याद होगा कि इस फिल्म में सलमान खान का डबल रोल था और उनके साथ एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और रंभा थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे बच्चों और बड़ों सब ने खूब पसंद किया था। मगर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस फिल्म में सलमान खान ना होकर गोविंदा मेन रोल में होते तो क्या होता? जी हाँ, एक्टर गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि सलमान खान की इस हिट फिल्म को असल में गोविंदा कर रहे थे, लेकिन एक रात सलमान खान ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि वो कितनी फिल्में करेंगे, ये फिल्म उन्हें चाहिए। क्योंकि उनका सलमान खान के साथ बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है तो वो इस बात के लिए मान गए। गोविंदा उनके कहने भर से फिल्म छोड़ने को तैयार हो गए। अपने इस इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा कि एक वक्त था जब मैंने अपने करियर में टॉप का दौर देखा। बनारसी बाबू नाम की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मैं उस समय जुड़वा पर भी काम कर रहा था। जब जुड़वा की शूटिंग चल रही थी तब एक रात मुझे सलमान खान का रात को करीब 2-3 बजे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि चीची भैया आप कितनी हिट फिल्में देंगे। ये सुनकर मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जुड़वा, प्लीज़ खुद को इस प्रोजेक्ट से हटा दीजिए और फिल्म मुझे दे दो। सलमान खान ने आगे कहा कि आपको मुझे फिल्म का डायरेक्टर भी देना होगा। आगे गोविंदा ने कहा कि सलमान खान की खातिर मैंने खुद को फिल्म जुड़वा से दूर कर लिया। जो फिल्म पहले से फ्लोर पर आ चुकी थी उसे वहीं रोक दिया गया और इस तरह सलमान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। मैं फिल्म जुड़वा का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मैं शुरुआती प्रोजेक्ट्स का हिस्सा जरूर था। गोविंदा ने अपने इस इंटरव्यू में आगे बताया कि फिल्म छोड़ने के बाद उनके और सलमान खान के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, खान हमेशा मेरे लिए परिवार की तरह हैं, हमारा काम कभी हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आता। सलमान और सोहेल हमेशा मुझसे पूरे सम्मान के साथ बात करते हैं, ये वो प्रोटोकॉल है जो इस इंडस्ट्री में हर जूनियर और सीनियर फॉलो करता है। भगवान हमेशा सलमान खान की रक्षा करे। बता दें कि साल 2007 में सलमान खान और गोविंदा ने सलामे इश्क और पार्टनर फिल्म में एक साथ काम किया था। गोविंदा की माने तो फिल्मों में उनकी वापसी में सलमान खान ने उनकी काफ़ी मदद की थी। तो जुड़वा फिल्म पर गोविंदा के इस खुलासे पर आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। नमस्कार।